दोस्तों समय था 20 अक्टूबर 1962 का, एक और कड़कड़ाती ठंड तो दूसरी तरफ सीमा पर तैनात आर्मी। हिमालय की इतनी अधिक ऊंचाइयों में अपने आप को बचाना भी एक चैलेंज था। बॉर्डर पर हलचलें बढ़ रही थी, दुश्मन देश धीरे धीरे अपनी सीमा में घुसता ही जा रहा था। असल में दोस्तों इस युद्ध की कहानी एक महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी। दोस्तों यह युद्ध हिमालय की वादियों में इतनी अधिक ऊंचाई पर था जो आर्मी के लिए बेहद कठिन था। इस दौर में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुल मिलाकर इस लड़ाई का नजरिया परंपरागत ही था। तो चलते हैं इतिहास के उस भयानक दौर में जिस समय हमारे दो जांबाज ने इस युद्ध का पासा ही पलट दिया था। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज से करीब 58 साल पहले यानी 1962 में, असल में यह वो दौर था जब हमारा भारत आजाद हुआ ही था। अब हम अपने आप को धीरे धीरे संभाल रहे थे। आखिरकार 200 सालों तक राज करने वाले अंग्रेज अब उनकी वतन वापसी हो चुकी थी। अब हमारा भारत एक तरह से आजाद बच्चा ही था। 200 सालों की गंदगी से जो गड्ढे बन गए थे बस अब उन्हें ही भरना था, मगर इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। असल में ये दौर था 1962 का। एक तरफ था दोस्ती का भरोसा तो दूसरी ओर विश्वासघात का खंजर। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयां लड़ी थी, मगर 1962 में जो हुआ था वो दोस्ती की आड़ में धोखा ही था। दोस्तों अगर आजादी के बाद हमारा कोई करीबी था तो वह चीन ही था। हर तरफ हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, मगर इन नारों के बीच चीन ने एक ऐसा कहर बरपाया जो भुलाए भी भूला नहीं जाता। असल में भारत के आजाद होने के ठीक 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना हुई थी। उसमें चीन को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। दोस्तों हमारे आजाद होने के साथ ही चीन और पाकिस्तान सीमा पर लगातार विवाद बढ़ा रहे थे। इसी तरह एक दिन सीमा पर कुछ ऐसी ही हलचलें दिखने लगी और वो दिन था 20 अक्टूबर 1962 का। 20 अक्टूबर 1962 को ही भारत और चीन की आर्मी धीरे धीरे सीमा रेखा की ओर बढ़ रही थी। असल में यह सीमा मैकमोहन रेखा थी जो 1914 में दोनों देशों के बीच तय थी, मगर चाइना ने हिमालय की विवादित सीमा का बहाना बनाकर भारत पर युद्ध थोप दिया था। असल में इस युद्ध की भूमिका चीन में ही बनी थी। करीब 3 साल पहले यानी 1959 में चीन में तिब्बती विद्रोह चल रहा था। चीन की सेना तिब्बतियों का बुरा हाल कर रही थी। तभी दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी और भारत ने उन्हें बेझिझक अपनाया, मगर चाइना को यह कतई स्वीकार नहीं था। दोस्तों विवाद उस समय गर्मा गया था जब युद्ध के दौरान मेजर धन सिंह थापा को चीन ने युद्धबंदी बना लिया था। असल में मेजर धन सिंह थापा नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे। मेजर थापा इस समय भारतीय सेना के 8वीं गोरखा राइफल के कमीशन अधिकारी थे। चीन लगातार सीमा पर बमबारी कर रहा था। अब चीन का प्लान था कि किसी भी तरह चुशुल हवाई पट्टी को कब्जे में लिया जाए। चुशुल हवाई पट्टी चीनियों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई थी, क्योंकि एक और तो यह पट्टी पेंगोंग झील के पास थी जो सामरिक रूप से बहुत ही खास थी। इसी पट्टी को बचाने के लिए मेजर थापा ने गोरखा राइफल की कमान संभाली और मेजर थापा ने अपना अगला अड्डा श्रीजाप चौकी को बनाया। वाकई उस दौरान मेजर थापा ने चीन के छक्के छुड़ा दिए थे, मगर चीनी सेना अधिक होने के कारण और भारतीय आर्मी को कवर न मिलने के कारण चीनियों ने श्रीजाप चौकी को तबाह कर दिया था। और इस तरह मेजर थापा दुश्मनों की रडार में पहुंच गए थे, मगर थापा की बहादुरी अभी भी कम नहीं हुई थी और उन्होंने कुछ दिनों बाद चीनी सेना को चकमा देकर वहां से निकल पड़े थे। और फिर कई दिनों तक पहाड़ों में भटकते हुए आखिर वे भारतीय सीमा में पहुंच ही गए थे। ऐसे थे हमारे रियल हीरो जो दुश्मनों के हाथ लगने के बाद भी हाथ नहीं आए थे। अब यह युद्ध भयानक दौर में पहुंच गया था। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। नेहरू जी अभी संभल ही नहीं पाए थे कि चीन ने अचानक बॉर्डर पर धावा बोल दिया था। ऐसा नहीं था कि हमारी आर्मी यह सब कुछ देख रही थी, मगर उनके सामने कई तरह की परेशानियां आड़े आ रही थी। असल में यह युद्ध बर्फीली पहाड़ियों में हुआ था। खून को जमा देने वाली इस ठंड में
लड़ना इतना आसान नहीं था और भारतीय सेना के पास जूते, स्वेटर और बंदूकें इतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही थी। मगर सवाल मातृभूमि का था और जवानों ने डटकर ऐसी मुश्किलों में भी दुश्मनों को धूल चटाई थी। रेजांगला, असल में यह पोस्ट समुद्र तल से 16,000 मीटर की ऊंचाई पर थी। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी अधिक कमी थी कि सांस लेना भी एक चुनौती था। रेजांगला पोस्ट पर मौजूद थे परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह भाटी राजस्थान में जोधपुर के निवासी थे। इनकी रग रग में राजपूती खून सवार था। इन्होंने ठान लिया था कि मर जाएंगे मगर इन चेनियों को पीठ नहीं दिखाएंगे, और हुआ भी यही। समय था 18 नवंबर 1962 का। लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी और यहाँ मौजूद थी 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी। इस पोस्ट पर केवल 120 जवान तैनात थे और बटालियन को हैंडल कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। बर्फ की वजह से चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। तभी पास के रेजांगला पर कुछ हलचले होने लगी। बटालियन पूरी तरह अलर्ट थी। तभी जवानों ने देखा कि चकाचौंध करने वाली रोशनी अपनी तरफ आ रही है। तभी मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, मगर यह चीनियों की एक चाल ही थी। असल में ये रोशनी लालटेन की थी और चीनियों ने पहाड़ी बैलों को इकट्ठा कर उनके गले में लालटेन को टांग दिया था ताकि भारतीय आर्मी को चकमा दिया जा सके। असल में इस समय हमारे पास ऐसी बंदूकें थी जो एक बार में एक ही फायर करती थी, और चीनियों ने यह चाल टुकड़ी की गोलियों को खत्म करने के लिए ही चली थी, और चीनियों की यह चाल काम भी कर गई। अब हमारे जवानों के पास बहुत ही कम मात्रा में गोलियां बची थी। मेजर शैतान सिंह ने लड़ते लड़ते अपने अधिकारियों से मदद मांगी, मगर उन्हें हर बार यही जवाब मिलता कि किसी भी तरह अपने आप को बचाओ, अपनी कंपनी को बचाओ। मगर इस राजपूती जवान को यह कतई मंजूर नहीं था और अपनी टीम के बलबूते पर हजारों दुश्मनों से भिड़ गए थे। अब गोलियां भी खत्म होने की कगार पर थी। ठंड की वजह से उनका शरीर भी जवाब दे रहा था, और इस तरह 120 जवानों ने चीनी सेना के हजारों सैनिकों का सामना किया था। और अंत समय में मेजर शैतान सिंह दुश्मनों से लोहा लेते हुए घायल भी हो गए थे। घायल होने के बावजूद भी मशीन गन से दुश्मनों की भारा बजाते रहे और आखिर में चीनियों ने पूरी पोस्ट को ही तबाह कर दिया था। हालांकि एक महीने तक चलने वाले इस युद्ध में हम चीन से युद्ध हार चुके थे, और करीब 3 महीने बाद रेड क्रॉस सोसाइटी और भारतीय सेना ने मेजर शैतान सिंह का शव उनकी मशीन गन के साथ ही पाया था। असल में यह पोस्ट रेजांगला ही थी जहां पर चीनियों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। ऐसे थे हमारे मिट्टी के लाल मेजर शैतान सिंह। करीब एक महीने बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। असल में इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह थी 4000 किलोमीटर की सीमा जो उस समय निर्धारित नहीं थी, जिसे LAC कहा जाता था। अगर दोनों तरफ सेना को देखा जाए तो चीन की सेना करीब 80,000 के आसपास थी, वहीं हमारे भारत की सेना 12,000 ही थी। भारत की ओर से 1,383 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं चीन के 722 सैनिक मारे गए थे। अगर घायलों की बात की जाए तो भारत के 1,047 सैनिक घायल हुए थे, वहीं चीन के सैनिकों का यह आंकड़ा 1,697 का था। दोस्तों, उस समय हमारे भारत के हालात बड़े ही नाजुक थे। फिर एक लंबे समय के बाद हम धीरे धीरे उठने लगे और आते आते आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, मगर अब भी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। दोस्तों, आपके विचार हम तक जरूर पहुंचाए। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।